जब भी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर अलग अलग डिशेस जैसे पनीर, कोफ्ता, चिकन या मटन अलग अलग तरह की ग्रेवीज में रहता है, जैसे मखनी ग्रेवी, व्हाइट ग्रेवी, येलो ग्रेवी, रेड ग्रेवी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारी ग्रेवीज बनाना बताऊंगी जिसमें आप अपनी मनपसंद सब्जियां या नॉनवेज डालकर रेस्टोरेंट स्टाइल फूड को अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम मखनी ग्रेवी से, जिसके लिए मैंने एक पैन में ले लिया है 1 टीस्पून के करीब तेल, और तेल के गरम होते ही मैं इसमें डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे 1 तेजपात, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 हरी इलायची। और कुछ सेकंड्स के लिए हम इन खड़े गरम मसालों को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे ताकि इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही ये मसाले हमारे अच्छी तरह से सौते हो जाए, अब नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहे तो अदरक और लहसुन के मोटे मोटे पीसेस कट करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट हमें इसे पीसना ही है। मेरे पास पेस्ट अवेलेबल था इसलिए मैंने पेस्ट का यूज किया है। अच्छी तरह से इसे भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 मीडियम साइज के टमाटर, ये सैलेड वाले टमाटर यानी हाइब्रिड टमाटर का यूज किया है मैंने, 10 से 12 काजू और साथ ही में नमक। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप के करीब पानी और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, या तब तक जब तक कि टमाटर और प्याज हमारे एकदम मशी न हो जाए। 10 से 12 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह से गल गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मसाले को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसका हम प्योरे बना लेंगे और फिर बनाएंगे हम इसकी ग्रेवी। अब ग्रेवी बनाने के लिए, क्योंकि मखनी ग्रेवी है, तो यहाँ पर मैंने लिया है मक्खन यानी बटर, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर बटर का यूज किया है, और इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टीस्पून के करीब तेल ताकि बटर हमारा जले नहीं। बटर के अच्छी तरह से मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर। डायरेक्ट बटर में मिर्च डालने से उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अब जो हमने प्योरे बना के रखी थी उसे छान कर हम इस मसाले में डालेंगे। छानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो हमने खड़े गरम मसाले डाले थे वो भी निकल जाएंगे, और अगर आप छानना नहीं चाहते हैं तो उन मसालों को अलग से निकाल दें, क्योंकि ये मखनी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ रहती है इसलिए इसमें बीच में कोई भी चंक आए वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें इस ग्रेवी को छानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे भूनते हुए। क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पका हुआ था इसलिए हमें इसे बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। मखनी ग्रेवी कसूरी मेथी के बिना अधूरी है इसलिए ये जरूर से आप डालिए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब शक्कर, क्योंकि इस ग्रेवी में होती है थोड़ी सी मिठास, और इसके कलर को और टेस्ट को और इनहांस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब टोमेटो केचप। इसे और सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 टेबलस्पून के करीब फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई को भी फेंट कर डाल सकते हैं। और बस अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत से रेस्टोरेंट में इस ग्रेवी में प्याज नहीं डालते हैं, सिर्फ टमाटर से ही मखनी ग्रेवी बनाते हैं, पर टोमेटोज की सारनेस को कम करने के लिए और प्लस उस ग्रेवी को एक बॉडी और टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें प्याज डाला है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हम बॉईल कर लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी मखनी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब इस मखनी ग्रेवी में चाहे तो आप अपने मनपसंद के वेजिटेबल्स को और बटर चिकन मसाला बनाइए। नेक्स्ट बनाएंगे हम व्हाइट ग्रेवी, जिसके लिए मैंने एक पैन में ले लिए 3 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया है। साथ ही मैं डालेंगे 1/4 कप के करीब काजू और 1/4 कप ही मगज के बीज। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, आप चाहे तो इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1 ग्लास के करीब पानी। इसे हम कर देंगे कवर और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बॉइल कर लेंगे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज और काजू हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। गैस को ऑफ कर देंगे, इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे और फिर इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के करीब तेल, और इस तेल के अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गर्म मसाले।
तो यहाँ पर मैंने लिए 2 हरी इलायची और इन्हें फोड़ के डाला है ताकि इसका फ्लेवर और अच्छी तरह से आ जाए। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 4 से 5 काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, और साथ ही मैं डालूंगी तेजपात और इन सारे खड़े गरम मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमने काजू मगज और प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे लगातार 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। रेस्टोरेंट में हम जब भी कोई ग्रेवीज खाते हैं तो वो बहुत ही सिल्की और स्मूथ रहती है, इसीलिए सर्व करते समय आप इन खड़े गरम मसालों को निकाल सकते हैं। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब शक्कर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर ये ग्रेवी हल्की सी मिठास होती है इसमें, इसलिए मैं डाल रही हूँ। साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा नमक, और क्योंकि ये व्हाइट ग्रेवी है तो इसमें खटास के लिए हम टमाटर की जगह व्हाइट इंग्रेडिएंट का यूज करेंगे, और वो है दही। यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून के करीब फिटा हुआ दही यूज कर रही हूँ। दही डालते समय आपको गैस का फ्लेम एकदम कम रखना है, नहीं तो दही फटने के भी चांसेस रहते हैं, और इसे लगातार चलाते रहना है। और जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉईल आ जाए, अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून के करीब फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। खड़े गरम मसालों के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था, बट वो किसी कारण कैमरे में शूट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वो भी जरूर से डालिए, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि ये व्हाइट ग्रेवी थी इसलिए हमने इसमें सारी चीजें व्हाइट यूज की है, इसीलिए हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर का यूज नहीं किया, हरी मिर्च का यूज किया है ताकि वो पीसने के बाद उसका फ्लेवर आ जाए, कलर ज्यादा नहीं आए। व्हाइट ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब चाहे तो आप इसमें बनाइए चिकन मटन या फिश, या डालिए पनीर या कोफ्ता और मलाई कोफ्ता की तरह इसे बनाइए, हमारी व्हाइट ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। और थर्ड ग्रेवी है हमारी येलो ग्रेवी। यहाँ पर मैंने एक पैन में ले लिया है तेल, और तेल के अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज के प्याज, जिन्हें मैंने लेंथ वाइज कट कर लिया था। अब इन प्याज को हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है, यानी ब्राउन अनियन बनाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगातार 4 से 5 मिनट के लिए चलाते रहेंगे ताकि ये इवनली पके, और 4 से 5 मिनट में देखेंगे कि आप ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और हमारी ब्राउन अनियन बिल्कुल तैयार है। यहां पर मैंने ले लिया एक मिक्सर का जार और इसमें मैं डाल दूंगी अपने ब्राउन अनियंस। अब नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे कुछ भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ है मेरे पास 7 से 8 काजू, 1 टेबल स्पून के करीब मगज के बीज, और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर लिया है खसखस। इन सारी चीजों को मैंने गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। अच्छी तरह से ये भीग गए हैं, अब इसे हम डाल देंगे अपने ब्राउन अनियन में और इन सबका एकदम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे ब्राउन अनियंस और ड्राई फ्रूट का पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं हम अपनी ग्रेवी की तरफ। तो अब एक पैन में मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब तेल, और इसमें फिर से मैं डालूंगी कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 लौंग भी मैंने डाली है इसमें, और 4 से 5 काली मिर्च। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए सौते कर लेंगे ताकि जो अदरक और लहसुन का रॉ फ्लेवर होता है वो निकल जाए। अच्छी तरह से अदरक और लहसुन भूनने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ टोमेटो प्यूरी। यहाँ पर 2 छोटे टमाटर थे, उनको मैंने मिक्सर में डालकर उनका प्योरे कर लिया है, और लगातार चलाते हुए इसे हमें कम से कम 2 मिनट के लिए भूनना है। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर, और 1.5 टीस्पून के करीब ही धनिया पाउडर। इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक और इन सारी चीजों को मिक्स करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर को बहुत अच्छी तरह से भूनना बहुत जरूरी है ताकि उसका फ्लेवर भी बहुत एनहांस हो और ग्रेवी का कलर भी बहुत अच्छा है। कम से कम 3 से 4 मिनट लगातार भूनने के बाद हम देखेंगे कि टमाटर में एकदम जाली पड़ गई है, तेल पूरा बाहर की तरफ आ गया है, इसका मतलब हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब नेक्स्ट इसमें जो हमने फ्राइड अनियन और ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे, और इसे बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजें ऑलरेडी पकी हुई थी। अब थोड़ी सी और खटास बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब फिटा हुआ दही। दही डालते समय हमेशा फ्लेम को कम रखिए और इसे लगातार चलाते रहिए जब तक कि हमारी ग्रेवी में एक उबाल ना आ जाए। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 4 मिनट बाद हम देखेंगे कि ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार है, पूरा ऑयल जो है बाहर की तरफ आ गया है।
जो हमने व्हाइट ग्रेवी और मखनी ग्रेवी बनाई थी वो हल्की सी स्वीट रहती है, पर ये जो ग्रेवी है इसमें आप कितनी भी लाल मिर्च डाल के या हरी मिर्च डाल के इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी बना सकते हैं। तो जो स्पेशली नॉनवेज आइटम्स रहते हैं वो रेड और येलो ग्रेवी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन तीन ग्रेवीज के अलावा एक ग्रेवी और होती है रेड ग्रेवी, जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बता चुकी हूँ, और उस वीडियो में मैंने उस ग्रेवी को आप 1 महीने तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं उसके बारे में भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप बिना प्याज और लहसुन की ग्रेवीज भी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, अर्बन रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।